हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन साइंस टुडे चैनल। इस चैनल के ऊपर मैं आपको 10 बोर्ड की साइंस, 12 बोर्ड की केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ ही साथ बीएससी की बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे साथ बने रहिए और साइंस को एंजॉय कीजिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 12 बोर्ड का जो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन। अब तक मैं इसके ऊपर दो पार्ट बना चुका हूं। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था वैद्युत रसायन की परिभाषा, साथ ही चालक के प्रकार बताए थे। चालक दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनी चालक। पार्ट टू के अंदर मैंने आपको बताया था विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस पात्र के अंदर करवाई जाती है उस पात्र को विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल एक कांच का या प्लास्टिक का पात्र होता है। इस पात्र के अंदर धातु की दो छड़े अर्थात इलेक्ट्रोड लगा दी जाती है। धातु की जिस छड़ को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है वो कैथोड कहलाती है। धातु की जिस छड़ को अर्थात इलेक्ट्रोड को जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है वो एनोड कहलाती है। इसमें जल ले लिया जाता है और जल में NaCl, HCl, NaOH आदि जो भी विद्युत अपघट्य पदार्थ लेना है उसको जल के अंदर घोल लिया जाता है। विद्युत अपघट्य आयनों में वियोजित हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर विद्युत अपघट्य लिया है HCl, ये H+ और Cl- आयनों में टूट चुका है। H+ ऋणावेशित छड़ की तरफ जा रहा है, मतलब कैथोड की तरफ जा रहा है, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन होकर H2 में बदल रहा है। Cl- क्लोराइड ऋणायन है, ऋणायनों के पास में हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ये ऐसे याद कर लीजिए, जो व्यक्ति ऋणी होता है, जो ऋण लेता है वो ले लेकर अमीर हो जाता है, उसके पास ज्यादा हो जाता है पैसा ऋण ले लेकर, तो ये ऋणायन है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये त्याग देगा अपने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को, उदासीन Cl2 में बदल जाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। प्रथम नियम क्या बताता है? दो नियम दिए गए हैं, फैराडे का प्रथम नियम विद्युत अपघटन का और विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। तो प्रथम नियम के अंदर क्या बताया गया है? वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इस पात्र के अंदर अपन ने HCl ले लिया, H+Cl- आयन के अंदर ये HCl टूट गया, वियोजित हो गया। यहां पर कैथोड इलेक्ट्रोड है और एनोड भी इलेक्ट्रोड है, तो कैथोड और एनोड पर H2 और Cl2 पदार्थ एकत्रित हो रहे हैं, और जो ये एकत्रित पदार्थ है ये किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के ऊपर। जितनी ज्यादा विद्युत धारा आप इस विलयन में प्रवाहित करोगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोडों पर हाइड्रोजन और Cl2 एकत्रित होंगे। तो यहां पर क्या बताया गया है? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। जब इलेक्ट्रोडों पर H2 या Cl2 नामक जो पदार्थ एकत्रित हो रहे हैं, माना उसकी मात्रा उसको m से प्रदर्शित कर लेते हो, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान m है, ये किसके समानुपाती है? विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा जिसे Q से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान m प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती है। प्रवाहित विद्युत धारा Q, तो Q बराबर हम क्या ले सकते हैं? विद्युत धारा इनटू प्रवाह का समय। प्रवाहित विद्युत धारा, अपन किसी चीज में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं हिंदी के अंदर? कि प्रवाहित विद्युत धारा। अब प्रवाहित विद्युत धारा मतलब विद्युत धारा इनटू प्रवाह में लगा समय, Q बराबर I इनटू T। तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं? M समानुपाती I इनटू T, Q की जगह क्या ले लिया मैंने, मतलब प्रवाहित विद्युत धारा की जगह क्या ले लिया यहां पर? विद्युत धारा इनटू इसको प्रवाह में लगा, इसके प्रवाह में लगा समय। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है और साथ में एक स्थिरांक आ जाता है। यहां पर m ऐसा कैसा आ गया? समानुपाती की जगह बराबर आ गया और एक स्थिरांक मुफ्त आ गया इसके साथ में, it ऐसा कैसा लिख दिया।
यहां पर W क्या है? पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है। M क्या है? इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का एकत्र या मुक्त द्रव्यमान। अगर अपन I एक विद्युत धारा है ना, इसको इसका मात्रक एम्पीयर होता है। अगर अपन I एक एम्पीयर ले ले और t एक सेकंड ले ले, अगर I बराबर एक एम्पीयर बट समय बराबर एक सेकंड हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? M बराबर W 1 × 1 हो जाएगा, क्योंकि I को भी 1 ले लिया, t को भी 1 ले लिया, तो एक का तो वैसे कोई महत्व नहीं होता, तो केवल क्या रह गया? M बराबर W रह गया, M बराबर W रह गया। W क्या है यहाँ पर? पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक है। इसकी परिभाषा देख लीजिए आप, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में एक कूलम आवेश के प्रभाव से मुक्त पदार्थ की मात्रा को पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य विलयन में एक कूलम आवेश के प्रभाव से, अब जो आवेश प्रवाहित कर रहे हैं वो एक कूलम में निश्चित मात्रा का विद्युत आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। अगर एक निश्चित मात्रा का विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाए, मतलब सिर्फ एक कूलम आवेश प्रवाहित किया जाए, तो उस दौरान जो पदार्थ की मात्रा होगी उसे रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। इस रासायनिक तुल्यांक का मात्रक कैसे निकालेंगे? रासायनिक तुल्यांक का मात्रक आप इधर देखिए, पहले तो ये फॉर्मूला जो एम बराबर डब्ल्यू आई टी था, सबसे पहले हमें जब इसका मात्रक निकालना है, डब्ल्यू का मात्रक निकालना है, रासायनिक तुल्यांक का मात्रक निकालना है, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एम बराबर डब्ल्यू आई टी, एम बराबर डब्ल्यू आई टी लिख दिया, डब्ल्यू को बाहर ले लिया तो एम अंदर चले गया और आई टी नीचे आ गया पट्टे के अंदर। एम का द्रव्यमान, एम का जो मात्रक है द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होगा, आई विद्युत धारा है इसका मात्रक एम्पियर होगा, लेकिन ये नीचे है तो ये इसके ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। समय का जो मात्रक है वो सेकंड है, ऊपर आएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। मैं आपको मात्रक निकालना सिखा देता हूँ, कभी भी हमें मात्रकों को रटना नहीं चाहिए। मात्रक निकालना बहुत ही सबसे, ये समझ लो सबसे आसान काम ही मात्रक निकालना है, और सबको मात्रक निकालने से डर लगता है। इधर देखिए हम रासायनिक तुल्यांक का मात्रक निकाल लेते हैं। इधर देखिए किस प्रकार से निकलेगा, एम बराबर डब्ल्यू आई टी, डब्ल्यू का हमें मात्रक निकालना है तो एम अंदर गया, डब्ल्यू बाहर आ गया ना, ये बाहर आ गया, एम अंदर गया, आई टी नीचे बटे में आ गया। जो एम है यह है द्रव्यमान, एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो होगा ग्राम जीएम, आई विद्युत धारा है इसका मात्रक होगा एम्पियर बटे में, ना 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 बटे में नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, नीचे नहीं लिखना आपको कि आप ग्राम बटे में एम्पियर इंटू सेकंड कर दो, गलत हो जाएगा। कभी भी मात्रक बटे में नहीं होते, ये बिल्कुल सीधे में ही लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं मैं आपको बता देता हूं, ग्राम एम्पियर नीचे था, सेकंड भी नीचे था, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर ले लेना, तो ऊपर लेते ही ये इनवर्स में बदल जाती है। जब भी बटे की चीज को आप ऊपर गुणा में ले लेते हो तो वो इनवर्स में बदल जाएगी, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा विद्युत अपघटन का, फैराडे का द्वितीय नियम, उसके बाद में विभिन्न प्रकार की जो चालकताएं हैं जैसे तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता, आणविक चालकता, विभिन्न प्रकार की जो चालकता हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।